बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और बिलाल अब्बासी आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, चंद गुजारिशात आप लोगों के सामने रखनी थी, बिलखुसूस अपनी तहसील मरी की तमाम यूनियन काउंसिल और उन यूनियन काउंसिल में मौजूद जो बाज़ार हैं, उन ताजर बरादरी से कुछ खसूसी गुजारिशात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो करोना वायरस तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसी तरह अब हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो नाज़रीन हमें एहतियात बरतनी चाहिए। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमारे लिए अपनाना इंतहाई ज़रूरी बात है, बिलखसूस मलकाए कोसार मरी के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई ऐसा केस सामने नहीं आया, मगर अल्लाह ना करे कि कल कोई बे एहतियाती करने से, लापरवाही करने से हम पर भी ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि इटली के लोगों की मिसाल हमारे सामने है। उन लोगों ने इस वायरस की मजाक उड़ाई, मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी इसी तरह मजाक उड़ाई जा रही है, लेकिन इस वक्त जो इटली की सूरत हाल है, मेरे अंदाज़े के मुताबिक आप तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो मैं सबसे पहले आप आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी मजाक मत उड़ाई जाए, अफरा तफरी भी मत फैलाई जाए, एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ, बार बार साबुन के साथ हमें हाथ धोने चाहिए। और सबसे जो बड़ा और मेन और अहम हल है इसका, इस वायरस का, इस वायरस के ख़त्म होने का, बार बार हाथ धोना है, लेकिन वुज़ू, जो वुज़ू है वुज़ू करना चाहिए हमें, नमाज 5 टाइम अदा करनी चाहिए, वुज़ू करने से ये वायरस बिल्कुल नहीं रहता। हमें ये घड़ी जो है तमाम प्लेटफॉर्म में, हर प्लेटफॉर्म के लोगों से, हर सियासी वाबस्तगी के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप तमाम तर सरगर्मियाँ एक तरफ रख कर, तमाम तर सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर एक कौम हो जाएं, इस वायरस का डट के मुकाबला करें और एक दूसरे का साथ दें। इसमें कोई किसी किस्म की सियासत नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें। मैं यूनियन काउंसिल फगवाड़ी के तमाम अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलें। इसी तरह ताजर बरादरी से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग अपने बाज़ारों में पोस्टर आवेज़ा करें, वहाँ पर लिख के लगाएं कि हाथ मिलाने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी बाज़ारों में मत आएँ, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि हमारे घर में खुद नहीं आएगा, हम इसे बाज़ारों से ले कर आएंगे। लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, वुज़ू करना चाहिए। मैं इसी तरह यूनियन काउंसिल देवल, यूनियन काउंसिल अलियोट, तहसील मरी की तमाम यूनियन काउंसिल के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस बात को बिल्कुल मजाक में मत लिया जाए और अफरा तफरी भी मत फैलाई जाए। हमने कोरोना से डरना नहीं है, हमने इसका मुकाबला करना है, और इसका मुकाबला सिर्फ यही है कि एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी, जो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा अफरा तफरी ना फैलाएं और मजाक भी मत उड़ाई जाए, इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। तमाम अहबाब से मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, बाज़ारों में ना जाएँ, बिलखसूस यूनियन काउंसिल फगवाड़ी, देवल अलियोट, शहर बगला, कश्मीरी बाज़ार, मरी की तमाम यूनियन काउंसिल के लोगों से मैं ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि बराए करम हाथ मिलाने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और घरों से बाहर मत निकलें, बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। और यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ उन मुहैया हजरात से जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बहुत कुछ है, अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ख्याल रखें जो कि दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं,
ان کا خصوصی خیال رکھیں. امید ہے کہ میری بات آپ تمام احباب کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. بالی نیوز نیٹ ورک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.